सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट SBI बैंक में है और बैंक की तरफ से आपके अकाउंट पर भी कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी नाम की कोई पॉलिसी स्टार्ट कर दी गई है, तो कैसे आप उसे डीएक्टिवेट कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों जिनके अकाउंट पर इस तरह की पॉलिसी स्टार्ट कर दी गई थी, जिनके अकाउंट से दोस्तों 500 रुपये कट चुके थे, उन्हें पता भी नहीं था दोस्तों कि उनकी कोई इस तरह की पॉलिसी भी है। उन्हें तब पता चला था जब उनके अकाउंट से 500 रुपये कटना शुरू हो चुके थे। जब उन्होंने इस बात का बैंक में जाकर पता लगाया, तब उन्हें पता लगा कि उनके जो पैसे कटे हैं वो उस पॉलिसी के एक्टिवेट होने की वजह से कटे हैं, जो बैंक वालों ने उनसे बिना पूछे ही उनकी पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों, कैसे आप अपने इस पॉलिसी को डीएक्टिवेट कर सकते हो? क्योंकि दोस्तों, इस पॉलिसी से आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। इस पॉलिसी के नाम पर आपसे सिर्फ 500 रुपये हर साल टके जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पहले भी काफ़ी लोगों के पैसे कटे थे और अब भी कटना शुरू हो चुके हैं। अगर आपका भी अकाउंट SBI बैंक में है और आपके पैसे अगर अभी तक नहीं कटे हैं, तो दोस्तों आपके मोबाइल पर इस तरह का मैसेज आना शुरू हो चुका होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों, कैसे आप इस पॉलिसी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने ये पॉलिसी डीएक्टिवेट नहीं की तो आपके अकाउंट से पैसे 500 रुपये कटना शुरू हो जाएंगे और ऐसा हर साल चलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो ये पॉलिसी है जिसका नाम एक्सटेंडल पॉलिसी है, इसका आपको हर साल 500 रुपये देना है। तो अगर आप इसे डीएक्टिवेट नहीं कराओगे तो आपको हर साल 500 रुपये इसके पे करने पड़ेंगे। तो कैसे आप इसे डीएक्टिवेट कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बने रहें और मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, पॉलिसी डीएक्टिवेट करने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों ये है कि आपको अपनी ब्रांच में जाना है, जहाँ पे आपने अपना अकाउंट खुलवाया था आपको उसी ब्रांच में जाना है, और वहाँ आके दोस्तों आपको वहाँ के कर्मचारियों से बोलना है कि सर, हमने जो अकाउंट खुलवाया था हमारे अकाउंट पर दोस्तों ये पॉलिसी है, जो पॉलिसी हमें अपनी डीएक्टिवेट करानी है। तो दोस्तों, वो लोग आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, उस फॉर्म को भरने के बाद आपके अकाउंट पर जो पॉलिसी चल रही है, तो दोस्तों वो पॉलिसी आपकी 8 से 10 दिनों के बीच में डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। और इन दिनों के बीच अगर आपके अकाउंट से 500 रुपये कट भी जाते हैं, तो वो आपके पैसे 8 से 10 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी डीएक्टिवेट करा सकते हो। और दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि आपको ये नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इन नंबर में से किसी नंबर पर कॉल करना है। तो दोस्तों, आपकी इस नंबर पर कस्टमर केयर से बात होगी, जो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगे, जिनमें आपका अकाउंट नंबर हो सकता है, आपका नाम हो सकता है और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जो आपके अकाउंट में, जो आपके अकाउंट से लिंक हों, जो सिर्फ आपको पता होगा। तो दोस्तों, जब आप उनको अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक दे दोगे, तब आप उनसे बोल सकते हो कि हमें जी अपनी जो पॉलिसी है, जी हमें अपनी पॉलिसी डीएक्टिवेट करानी है। तो दोस्तों, वो भी आपकी पॉलिसी ऑनलाइन ही डीएक्टिवेट कर देंगे, और उसमें भी दोस्तों 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपनी पॉलिसी को डीएक्टिवेट करा सकते हो और 500 रुपये साल कटने से बचा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इस पॉलिसी से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ये सिर्फ नाम की पॉलिसी है, इससे आपको कुछ भी रिस्कवर नहीं मिलने वाला। तो इसे डीएक्टिवेट करा दोगे तो अच्छा होगा, आपके 500 रुपये साल कटने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, बस यही दो तरीके हैं कि आप अपनी पॉलिसी को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।